रो रहा था, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ये प्रैंक होगा। इसके लिटरली आंसू निकल रहे थे। कौन ही गेस कर सकता है कि भाई प्रैंक होगा और इतना जेन्युइन रीजन। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। लास्ट वाला इमोशनल प्रैंक काफी अच्छा था ना, बहुत सपोर्ट किया यार आप लोगों ने। लेकिन देखो, आप लोगों के चक्कर में ना मुझे सुननी भी पड़ती है, तो आ रही है मेम साहब, देखते हैं क्या सुनाती हैं। प्रैंक नहीं करूंगा, बस जेन्युइनली फीडबैक लूंगा। पता लग जाता है ना तो फिर थोड़ा सा वो होता है कि यार बार बार करूंगा तो फिर वो तुम्हें बताइए कि गुस्से में आ जाती है और सीन शॉर्ट हो जाता है, पट से हेड शॉर्ट। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आने वाली है। हाय। मुझे लगा कि मुझे हेलो करने को मिलेगा, बट अच्छा था ना। हाँ, बहुत ज्यादा मस्ती था। मजा आ गया। तो यार देखो, इतनी ज्यादा सपोर्टिव लड़की थी, आप लोगों ने विशेष मांगी कि हमें भी ऐसी मिल जाए, हमें से मिल जाए। लेकिन मैंने ना वो दर्द बिल्कुल सही था यार, क्योंकि कभी कभी लोगों का हैक हो जाता है ना तो उनको इतना ही दर्द होगा या इससे कहीं ज्यादा होता होगा। थैंक यू सो मच यार। अब मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि उस वीडियो में मैंने खुद से परमिशन दी है कि हाँ कर लो प्रैंक, आई विल सपोर्ट यू। ठीक है। और दूसरी बात यार देखो, मैंने आपको रुलाया, कहीं भी उसमें मजाक उड़ाया नहीं उड़ाया। जैसे आपको मेरे आई वाले से बुरा लगा था, मुझे दुख में देख के मुझे भी लगा ना आप मेरे आगे रो रहे थे यार, मैं कैसे देख सकती हूँ आपको रोते हुए। तो यही तो मुझे देखना था कि हाँ भाई इंसान, चलो अभी तक सारी मोमेंट्स में साथ में थी है ना, तो ये वाली मोमेंट्स भी जरूरी थी देखने की। आया यार चलिए यार, दर्द में भी साथ देती है नहीं देती है, क्योंकि या तो ऐसा होता है दर्द में कभी कभी आपका पार्टनर खामोश हो जाता है, उसके पास शब्द नहीं होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, बट कभी कभी शब्द होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो आपके पास है बेशुमार है, अच्छा लगा, मतलब मेरी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा था। मैंने सोचा था कि दो चार बात ही बोलेगी, लेकिन मुझे चुप कराने के लिए इतनी सारी कोशिशें अच्छी थी, बहुत अच्छी थी यार। ऐसा पार्टनर सबको मिले, लाइफ पार्टनर भी और ऐसा बिजनेस पार्टनर भी, माइंड पार्टनर भी, मतलब हर जगह सपोर्ट में खड़ा रहे, चरण गए आपके। नहीं यार बहुत प्यारा था सच में, सोचा नहीं था। मेरे को कुछ बोलना था। हाँ क्या? कि टेस्ट ही लेते रहोगे क्या पूरी लाइफ? नहीं मतलब अच्छा सा लगता है। आज मैं ये टेस्ट कर रहा था, आज मैं जेलसी टेस्ट कर रहा था। गाइस आप लोग बताओ अच्छा लगता है ना, मोमेंट्स जनरेट होती हैं, कल को जब बड़े हो जाएंगे तब हम याद रखेंगे। गुस्सा आ रहा है शायद ही मेरे हाथों को ना दबा रही है। वैसे अब आपने मेरी बारी, अब आपके टेस्ट लेने की, मतलब प्रैंक के थ्रू? नहीं तो मैं जनरल टेस्ट लूंगी फेस पे। अच्छा फेस पे, ओके चलो। क्या बोल रहा था बोलो। मैं बस यही बोल रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब मारा नहीं इन्होंने मुझे आज। मार भी नहीं सकती, मैं नहीं बोला करो प्रैंक, आई विल सपोर्ट यू। करो खुद कराएंगे। अब क्या बोलूं मैं, उस वीडियो में मैंने बोल दिया कि करो प्रैंक, अब मारती थोड़ी नहीं यार। देखो आप लोग, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे कि लोग शॉर्ट स्टोरीज वगैरह भी चलती हैं, कि सीरीज वगैरह भी चलती हैं, अगर वो आप लोग चाहते हो तो हम लोग वो भी लेके आ सकते हैं आपको। अगर आपको हमारी ये केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, हमारी ये बॉन्ड अच्छी लग रही है, हमारा ये प्यार अच्छा लग रहा है, हमारी मोमेंट्स अच्छी लग रही है, लड़ना झगड़ना अच्छा लग रहा है, तो इन्हीं को हम कोशिश करेंगे कि अपनी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह बताएं। आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट में बता देना। अब आप बोलो जी, मैं आप चुप रहूंगा। हाँ बाकी सबके साथ बनाते हो, मेरे साथ भी बना सकते हो, कर लूंगी मैं भी एक्टिंग, इतनी बुरी भी नहीं हूँ। नहीं यार बुरी तो नहीं है कहीं भी, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ गया तो। ओ ग्रेट यार, वही होगा ना सपोर्ट की, हाँ बंदा बंदे के साथ वीडियोस बना रही है तो। ओ यार ये भी अच्छी चीज है, तो सही है, आज इन्होंने खुद के ही बोल दिया, कोई नहीं यार करेंगे। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं टेस्ट से रिलेटेड? कि आप मुझे कितना जानते हो, मतलब मुझे भी पता चले ना कि आप मुझे जानते हो नहीं जानते, मेरे बारे में कितना जानते हो, क्या बताएं आपको मेरे बारे में। अब तक हमने इतनी बातें कर ली है, मैंने इतने टेस्ट दे दिए आपको अपने, जेलेसी टेस्ट दे दिया, सपोर्ट वाला भी। वो जेलेसी कहाँ हुई थी, वो तो गलती से हुई थी बेटा, जिस दिन जेलेसी होगा ना तुम बेफिक्र रहो, अच्छा वाला ही होगा। आपकी बहुत सारी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स है ना? फीमेल बेस्ट फ्रेंड बहुत सारी, मिलवाओ कभी अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड से। ओके देखें उनके साथ कैसा है। अभी आप बर्दाश्त कर सकते हो तो मैं तो मिलवा दूंगा। तो ये थोड़ी ना कि पीछे पीछे, मतलब ऐसा वाला सीन नहीं है, लेकिन फिर भी फिर भी मतलब इन द सेंस कि तुम्हें थोड़ी जेलसी तो हो ही जाती है ना यार। अच्छा। किसी को भी हो जाएगी। छोड़ो ना जेलसी वाला पार्ट छोड़ो, तुम जान पहचान वाली बात बताओ, वो छोड़ो उसको। तो देखते हैं कि यश मुझे कितना जानता है। हाँ तो लिख के लाए हो आप? नहीं ऐसे क्या, मैं रैंडमली पूछूंगी कुछ भी। ओके पूछो। सो टेल मी मेरा फेवरेट एनिमल। तुम्हारी हरकतों को देख के तो मुझे बिल्ली लगती है।
मेरी हरकतें बिल्ली वाली है, बट मेरा फेवरेट एनिमल बिल्ली नहीं है, डॉग है। मैं इतना पूरे टाइम उसको बोलती हूँ मैं डॉग लवर, ये देखो इतना जानते हैं मेरे को। सॉरी, नेक्स्ट पूछो। चलो, मेरा फेवरेट फूड। तुम्हारा फेवरेट फूड एप्पल। एप्पल किसका फेवरेट फूड होता है? होता तो एप्पल फेवरेट तो होता है। फेवरेट फ्रूट। फ्रूट, फूड। ओके ओके ओके। कढ़ी चावल, राजमा चावल। किसी भी लड़की से पूछना उसका फेवरेट फूड क्या होता है, गाइस कोई भी गेस कर सकता है। गोलगप्पे, हाँ ना। अबे यार, वहाँ पे क्या बोलते हैं, पानी पूरी, गोलगप्पे, पुचका। पुचका हर लड़की का फेवरेट वही होता है। पुचका गोलगप्पा को बोलते हैं? हाँ, इन बंगाल। ओके, या और पूछो। तो यार मैं ये तो गलत हो गया, लेकिन मैं जानता तो इसको मेरे बारे में। और पूछो। चलो, आई विल ट्राई माय बेस्ट। और मेरी फेवरेट ड्रिंक, यार ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो जूस पीती है बहुत ज्यादा। और क्या कहते हैं, कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी ना, ठीक है, दोनों है। हाँ, कोल्ड कॉफी ज्यादा है, बट ठीक है, थोड़ा सही था क्योंकि पूरे टाइम इसी के साथ कोल्ड कॉफी पीती हूँ। ये तो पता है मुझे, ये नहीं पीती हॉट। और पूछो। और मेरा फेवरेट कलर, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये तो ब्लैक ही है। ब्लैक ही है ना? हाँ, पर मुझे पिंक और लेवेंडर भी बराबर का पसंद है, तो तीनों। चलो ठीक है, ब्लैक इज आल्सो वन ऑफ देम, क्योंकि यार जब प्लस पिंक प्लस लेवेंडर। ओके, ये दो इन्होंने बता दिया अगली बार के लिए। बाकी ब्लैक तो ये है कि हम दोनों भी ब्लैक में पहनते रहते हैं, गलती से ट्यूनिंग हो ही जाती है, कॉज मेरा भी ब्लैक फेवरेट है, बस मैंने बता क्यों दिया। ओके, मुझे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? तुम्हें सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है कि बस घुमाए जाओ घुमाए जाओ घुमाए जाओ, बिना मतलब के भी घुमाए जाओ। नंबर फॉर दिस आंसर, बिना मतलब के भी घुमाए जाओ। कोई भी शॉपिंग पे उठा के ले जाओ, हाँ ठीक है चलो यार। और और क्या पूछूं अब? वैसे थोड़े से क्वेश्चन मैंने गलत दिए यार, मैं सोच रहा हूँ मैं साथ रह के इतना नहीं जानता। पांच में से दो सही दिए इसने। गलत बात है, बस यार अभी के लिए इतना बहुत है, मुझसे और दुख। अच्छा, वैसे गुस्सा नहीं आया था? वेल, लास्ट टाइम पे गुस्सा नहीं आया था ना? कौन सा गुस्सा? लास्ट वाले पे ऐसी आ रही थी, फिर से पागल बना लिया अपना। वैसे मजा तो बहुत आता होगा ना जब तुम घर पे जाके वीडियोस देखती होगी। मैं रो रहा था, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ये प्रैंक होगा, इसके लिटरली आंसू निकल रहे थे। कौन ही गेस कर सकता है कि भाई प्रैंक होगा, और इतना जेन्युइन रीजन दिया कि मेरा यूट्यूब हैक हो गया, एंड आई नो कितना मीन करता है यूट्यूब इसको, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि सच में यार हर्ट है बहुत ज़्यादा। लाइक क्या ही, उस टाइम तो तुम सोच भी नहीं सकते कि ये सब मजाक है, तुम्हारा सपोर्ट टेस्ट हो रहा है। नहीं, अच्छा लगा था बट मुझको। ओके, चलो मैं पूछ लेता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे बारे में कितना जानती है ना। मैं भी पूछता, मेरा भी हक बनता है। विच इज़ माई फेवरेट कलर? ब्लैक। ये तो बता दिया था मैंने। एंड व्हाट्स माई फेवरेट फूड? राजमा राइस। ओह ग्रेट। और क्या करना ज़्यादा पसंद है? ट्रैवल करना, यूट्यूब वीडियोस बनाना, और मेरे ऊपर प्रैंक्स करना। आजकल तो प्रैंक्स करना ज्यादा पसंद है, बट सबसे ज्यादा ट्रैवल वाला है। हाँ, वो बहुत ज्यादा पसंद है घूमना बेसिकली। हाँ बिल्कुल, वो किसको नहीं होता, वैसे मुझे भी पसंद है। और क्या होना चाहिए? और मेरा फेवरेट पेट कौन सा है? एनिमल? हाँ, डॉग ही आएंगे। हाँ, डॉग ही है, कॉज अच्छा लगता है, बुरा लगता है कोई उनको मारे भी तो। 100 यार, ये मेरी सारे जानती है, मैं ऐसा क्या पूछूं? और पूछो, मजा आ रहा है। और पूछो। अच्छा, फेवरेट नंबर कौन सा है मेरा? फेवरेट नंबर क्या होता है? गंदा को ये कौन बताता है मेरा? बताओ ना, होता है ना फेवरेट नंबर, होता है ना सबका एक होता है, आप लोगों का भी होता है। लकी नंबर होता है। हाँ, लकी नंबर। तो वो मुझे क्या पता, वो आपने सोचो ना। गैस करूं मैं आपको ऑप्शन देता हूं। 1 तो नहीं है, मैं ऑप्शन देता हूं आपको। 7, 5, 8 अब ये सारी बता रही है। 5 5 5 5 नाइस यार, मतलब सही जानती है। बाकी ना अगली बार मैं क्वेश्चन लिख के लेके आऊंगा, अभी ना दिमाग काम नहीं कर रहा और मुझे लग रही है भूख। क्विज करेंगे, क्विज। हाँ यार, चलो कुछ खाने चलते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। थैंक यू यार उसके लिए। अरे कोई बात नहीं, कर लो प्रैंक यार, खुश रहो आप। बिल्कुल करूंगा, रुलाने वाले नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। देखते हैं कैसे प्रॉमिसेस होते हैं इसके। कितना बात